हाँ, कोई आत्मा जिसे बुलाती थी कि ऐसे करो, मतलब ये पंख वंख मतलब इशारा कर रही थी। जौनपुर के सहागंज इलाके में भूत सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, बात भी हैरानी की है, लेकिन अंधविश्वास का आलम यह है, सहागंज का सुरिस गांव में दहशत का माहौल है। हर तरफ एक ही चर्चा है कि भूत से कैसे निजात मिले। लाख समझाने के बाद भी कोई मानने को ही तैयार नहीं कि भूत नहीं हो सकता। गांव के लोग काफी डरे और सहमे हैं, क्योंकि ग्रामीण कहते हैं वो लौट आया। बात एक साल पहले की है। बताया जाता है कि सुरिस गांव के बिंद बस्ती में बुआ भतीजा और भतीजी ने फंदे से लटक कर जान दे दी थी। लोगों का कहना है कि आज भी अगल बगल के लोग रात भर जागते हैं। उक्त घटना के बाद पुलिस गांव में एक महीने तक लगातार निगरानी करती रही। ग्रामीणों का कहना है कि भूत प्रेत से ही तीनों की मौत हुई थी। ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि गांव में तंत्र मंत्र व पूजा पाठ कराया गया, फिर जाकर मौत का सिलसिला थम गया। चर्चा है कि एक वर्ष पूर्व उक्त गांव निवासी रामनाथ बिंद के पुत्र मनोज ने पहले फंदे से लटककर अपनी जान दे दिया था। उसी के 20 दिन के बाद उसकी बुआ सुमन ने उसी तरह फंदे से लटककर जान दे दी। उसकी 13वीं भी नहीं बीती थी कि सुमन की भतीजी खुशी ने भी फंदे से लटककर जान दे दी थी, जिसकी वजह से पूरे गांव में दहशत फैल गई थी। उसी दहशत से गांव में एक महीने तक पुलिस ने 24 घंटे तक पहरेदारी की भी की थी। वहीं बताया जा रहा है कि बीते सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई रजनी की मौत को एक वर्ष पूर्व घटना से जोड़कर गांव के लोग देख रहे हैं। इसकी वजह यह है कि मृतका खुशी की सहेली थी। गांव के लोगों ने यह भी बताया, जब खुशी जिंदा थी, मरने से पहले एक भविष्यवाणी करते हुए कहा कि हम तीनों सहेली साथ जाएंगे। खुशी के मरने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग उसकी भविष्यवाणी को भूल चुके थे, लेकिन आज जो खौफनाक मंजर की तस्वीर सामने आई, लोग मृतका खुशबू की किए गए भविष्यवाणी को लोगों को अब याद आ गई है। पिछले एक वर्ष पहले एक महिला ने दावा करते हुए बताया उसे एक आत्मा इशारा करती है, वो फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की थी, हालांकि उसके परिजनों ने बचा लिया था। आज कैमरे के सामने वही महिला आकर बोली कि पूजा पाठ कराने के बाद सब कुछ ठीक रहने लगा, पुरानी बातें को हम सब कुछ भूल चुके थे, लेकिन यह जो घटना घटित हुई है, जिसको लेकर एक बार फिर गांव में दहशत का माहौल बन गया है, लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। सर, पहले हमारे गांव में तीन लोग फांसी लगाए थे और पूजा पाठ हुआ, उससे तो सही हो गया, लेकिन अब की साल पतन क्या हुआ हमको समझ नहीं आ रहा है। सब ये दहशत फैली है। आपके साथ भी एक वाकया घट चुका है, तो क्या था वाकया? जी, हमारे साथ भी ऐसे हुआ था, लेकिन हमारे घर के लोग बचा लिए थे, देखे थे। क्या था वो, थोड़ा सा आप संक्षेप में बताइए। कोई आत्मा बुलाती थी आपने कहा था? हाँ, कोई आत्मा जिसे बुलाती थी कि ऐसे करो, मतलब ये पंख वंख मतलब इशारा कर रही थी। क्या आप भूत प्रेत मानती हैं? सर, पहले तो मानते थे, लेकिन अब जब से सही हो गया तो अब तो नहीं मान रहे हैं कि अब सही हो गया। कल एक हादसा और हुआ, तो कहीं ना कहीं डर तो बना हुआ होगा। सर हाँ, ये तो डर बना हुआ, लेकिन हम देखे नहीं थे। सर सुनी तो होंगी? हाँ जी, एक बच्ची की मौत हुई है फांसी लगाकर। क्या नाम है आपका? शीला देवी। हाँ, दहशत तो नहीं थी अब इतनी बेर, लेकिन अब तो फिर दहशत हो गई। अगले साल क्या वाकया घटा? अगले बार तो वही 3 बार हो गया। क्या क्या हुआ कुछ बताइए। अब एक लड़का मरा, एक लड़की मरी, फिर एक लड़की मरी, और दहशत हो गई। सब लोग गांव वाले अपन देखा सुनत रहें, गांव भर सबके दहशत रहा। अब इतनी बेर दहशत ख़त्म हो गई, तब फिर काल शुरुआत हो गई। जो तीनों मरी हैं, क्या सहेली उली थी? वही सहेली थी। तीनों सहेली मर गई। अब जो है एक बार फिर से जो है मौत का सिलसिला बढ़ रहा है गांव में। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो एक दहशत बना होगा। अब भाई, एक बार जब दहशत ख़त्म हो गई तो दहशत तो फिर बनबे करे। अगले साल पुलिस का पहरा भी गांव में। हाँ, पहरा भी दी है। क्या मानती हैं ये जो मौत हो रही है? अब का माने का ना माने, ये क्या आपके मन में क्या शंका है? का शंका बताई भैया। उसको शंका होगा मौत के कारण कैसे हो रहा है, बीमारी। अब मौत के कारण उसके पास न झगड़ा बहन भाई में भा, न मतारी बिटिया में भा, कोनो झगड़ा न बार न बत कहिया, ओकरे मन में का रहा का ना रहा। इससे पहले आत्माओं के चक्कर की बात की जाती थी, ऐसा कुछ था?
ओकरे मन में का रहा वही जानत रही होई। अगले साल जो चर्चा थी आत्मा को लेकर भूत प्रेत को लेकर चर्चा थी अगले साल, अगले साल जवान रहा तमन तो रहबे करा ये सब के अब नया सहेली थी जो मरी है। तीसरी सहेली जवान मरी। का नाम है राजनी। पहले तो था लेकिन तब तो खत्म हो गया था, फिर शुरू हो गया। क्या था, क्या हुआ था पहले? सर वही फांसी वाला चल रहा था। तीन घटना हो चुकी थी, एक अब हुई है साल भर बाद। जो तीनों मरी हैं क्या आपस में क्या लगती है, जो तीनों की मौत क्या लगती है आपस में? सहेली लगती थी तीनों लोग। तीनों सहेली चली गई। तीनों तो कहीं ना कहीं दहशत बना हुआ फिर से मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या लगता है? जी सर। क्या शक है, क्या आशंका जाहिर कर रहे हैं आप लोग मौत के कारण का? सर यही तो नहीं समझ में आ रहा है। मन में कोई शंका होगा तो आपको तो क्या चर्चा है? सर चर्चा यही था कि वो पहले बता रही थी वो लोग क्या बता कि सहेली हैं हम लोग जाएंगे पहले बार ले जाएंगे उसको भी। ये कौन बता रहा था? यही जो मरी थी दूसरी बार, लड़का मरा था उसके बाद लड़की। वो क्या बता रही थी ले जाएंगे? हाँ। साथ तो एक बार फिर वो घटना हो गई तो क्या मानती हैं भूत प्रेत अब आत्मा के, आप विश्वास करती हैं इस पर? सर विश्वास भी होता है नहीं होता है, विश्वासो होता है। गांव में कुछ आहट हो कुछ सुनने हो या कुछ तरह से प्रेत आत्मा कुछ नहीं? इस समय तो नहीं हो रहा था। उधर बीच बीच में भी नहीं हो रहा था, उसके बाद जब से पूजा पाठ हुआ तब से सब कुछ ख़त्म हो गया था, वही फिर शुरुआत है कल से। तो अब क्या करेंगे आप लोग? सर क्या करेंगे, जो कल मौत हुई है बच्ची की, कारण आप क्या मानती हैं अपने हिसाब से? कल की मौत के कारण क्या क्या है आपके मन में, क्या चल रहा है? सर वही तो नहीं समझ में आ रहा है ना क्या कारण है? क्या कोई झगड़ा वगड़ा तो या कोई डाटा वाटा हो? कुछ नहीं हुआ था, मैं तो वही बगल की हूँ, एकदम जस्ट सटा हुआ है। क्या इस बच्ची को भी कहा गया तुम्हारी सहेली तुमको ले जाएगी? सर पहले हुआ था, जब वो ख़त्म हो नहीं हुई थी तब बात हुई थी दोनों में, लेकिन उसके बाद फिर नहीं पता चला। क्या नाम है आपका? संदिग्ध परिस्थितियों में बच्ची की मौत खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस रजनी की मौत का कारण आत्महत्या बता रही है। आप भी देखें हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज पर। कल दिनांक 9/9/2024 को ग्राम सूरी थाना क्षेत्र शाहगंज के श्री जैतुबिन व ग्राम प्रधान दुर्गावती जी इत्यादि के द्वारा यह तहरीर थाने शागन में दी गई कि जैतुबिन की पुत्री ने दोपहर में स्वयं आत्महत्या कर ली है और बच्ची को अस्पताल ले जाया गया तत्काल, लेकिन वहां बचाया ना जा सका। और इस संबंध में उनके द्वारा किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया गया है, अन्य जांच की कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू।